बनाती हूँ. काफ़ी वैसे आर्टिस्ट रही हूँ, लेकिन पेंटिंग में इतनी दिलचस्पी नहीं रही है जितनी कि आर्ट को रिझाने में रही है लिटरली. आई थिंक सिमिलैरिटी बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम इमोशंस की ही बात कर रहे हैं. चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, या आप थिएटर कर रहे हो, या आप फिल्म्स कर रहे हो, या आप डांसिंग कर रहे हो, या आप आर्ट बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, दीज ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. आप अपनी भावनाएं सामने ला रहे हो किसी भी माध्यम से. तो ये एक तरीके का एक तरीके का हमारा जो कल्चर है, ये कला ही है, आर्ट ही है ये. यहाँ से आते हो तुम लोग ये पकड़ते हैं कि शूटिंग करना चाहिए बॉलीवुड के लोगों को, तो हम लोग तो करते हैं. तो आगे उनके लिए नट से काफी ग्रस्त है वहाँ के लोग, तो वहाँ पे जो रौनक पहले थी वैसे नहीं है. नहीं, बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हाल ही में 2 बार कश्मीर जाके आई हूँ. एक बार मैं अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ और हम सब अपने बच्चों को लेके गए स्कीइंग के लिए, ये पिछले साल ही था. और फिर हम फिर से गए पिछले साल मार्च में, पिछले साल नहीं ये साल मार्च में हम कश्मीर में ही थे. मैं अपने इन लॉज को, पेरेंट्स को, सबको लेके गई. मेरे फादर की जितनी पिक्चरें थी वो कश्मीर में शॉट थी. खेल खेल में से लेके खुददार तक, राही बदल गए, सारी पिक्चरों ने कश्मीर में ही शूटिंग की है. तो मुझे बचपन से कश्मीर की बहुत ही मेमोरीज है. एंड कश्मीर आई थिंक हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है. और जहाँ तक मैं कहूँगी कि ये जो नई गवर्नमेंट है, ये आई एम श्योर और भी करेगी कश्मीर और कश्मीरी लोगों को ये बताने के लिए कि वो हमारा हिस्सा है. और चाहे उन पे मुसीबत हो, या उन पे दुख हो, या उन पे जो डिज़ास्टर हो, जो भी हो, हम साथ में उनके साथ खड़े होकर बांटेंगे. मेरे बहुत कश्मीरी दोस्त हैं, पंडित भी हैं और मुसलमान भी हैं, और हम सब एकजुट होकर अगर बात करते हैं तो कभी भी ऐसे कभी ये सुनने में नहीं मिला है कि हम हिंदुस्तान के पार्ट नहीं हैं. वो ऐसे 2-3 गिने चुने लोग हैं जो पॉलिटिक्स के लिए और अपने स्वार्थ के लिए ऐसी चीज़ें फैलाते हैं. और अब जो इलेक्शंस हुए वो तो देखा, जो मुंबई में 65% पोल का टर्नआउट था, तो कश्मीर में 89% था. आप उसका क्या जवाब देंगे? थैंक यू जी, धन्यवाद. मैम वो है रविना जी.